वीवो के फैंस के लिए यहाँ पर काफी बड़ी खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वीवो की तरफ से Z5 आने वाला है और ये फोन चाइना के अंदर लॉन्च हो जाएगा 31 जुलाई को। और यहाँ पर ना इस फोन के अंदर आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलती है बहुत सारी, जैसे कि आपको Z1 प्रो के अंदर देखने के लिए मिली है, लेकिन यहाँ पर आपको स्क्रीन में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन सारी ऑलरेडी आ चुकी है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आजकल लॉन्च से पहले ऐसे बिखेर देते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन मार्केट में, तो यहाँ पर सारी स्पेसिफिकेशन आ चुकी है और यहाँ तक कि उसके बॉक्स की भी इमेज आ चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे हम इसके प्राइस की बात, साथ ही साथ फुल स्पेसिफिकेशन की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते हैं इस वीडियो पर 500 लाइक्स का, और मुझे पता है तुम कर दोगे। और कमेंट करके जरूर बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को कर देना प्रेस ऐसी कूल वीडियो के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हमें क्या Vivo Z1 Pro और Vivo Z5 के अंदर सेम देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों के अंदर जो दिमाग होने वाला है, यानी कि इसके अंदर जो प्रोसेसर होगा वो सेम ही होगा, यानी कि स्नैपड्रैगन 712। अब काफी सारे लोग ना मुझसे कमेंट कर कर पूछ रहे हैं कि Realme X बेटर है या Vivo Z1 Pro, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो उससे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, स्नैपड्रैगन 710 और 712 में इतना बड़ा अंतर नहीं है, यहाँ पर बस क्लॉक स्पीड जो है वो 0.1 ज्यादा है 712 की, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बाकी जो सारी चीजें वो आपको सेम ही देखने के लिए मिलती है। तो मुझे लगता है कि डे टू डे लाइफ में आपको थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं पता चलेगा, बाकी अगर आप ऐसे गेम वगैरह खेलते हैं ना तो दोनों के अंदर गेम मस्त चलते हैं और दोनों के अंदर आपको सेटिंग्स भी सेम देखने के लिए मिलेगी पबजी में। तो यहां पर पबजी वाले लोंडो के लिए Vivo Z1 Pro और Vivo Z5 इक्वली होने वाला है ऐसे दिमाग के मामले में। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलेगा, और वीवो से ना ऐसे काफी सारे लोग खफा होते थे, तो यहाँ पर आपको अब खफा होने की जरूरत नहीं, आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलेगा और ये चीज ऑफिशियल हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ऐसे टेबल में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट बनाया हुआ है, कुछ भी वीवो मतलब मार्केटिंग देखो इनकी, ऐसे टेबल ही काट दी। और यहाँ पर आपको 3.5mm जैक भी देखने के लिए मिलेगा। अब बात करें बैक पर आपको कोई फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता, तो फ्रंट पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अब ये नहीं पता है कि कौन सा जनरेशन होने वाला है, लेकिन ये कंफर्म है कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलेगा। अब डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.3 इंच का सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलेगा, फुल HD+ बेजल्स काफी कम होने वाली है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऐसे माता का आशीर्वाद मिलेगा, यानी कि ड्यू ड्रॉप नॉच। और यहाँ पर आपको कोई पंचुअल कैमरा सेंसर नहीं देखने के लिए मिलने वाला, क्योंकि सुपर एमोलेड पैनल में ऐसे सैमसंग के पास ही वो वाली शक्ति है जो कि ऐसे छेद कर सकती है सुपर एमोलेड पैनल में, तो सैमसंग उसे किसी को देने वाला नहीं। तो यहां पर आपको अभी देखने के लिए मिलेगी ड्यू ड्रॉप नॉच, बट स्टिल ड्यू ड्रॉप नॉच काफी अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छी लगती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या फेवरेट है, इन्फिनिटी और शेप डिस्प्ले या ड्यू ड्रॉप नॉच, और सिंपल नॉच की हम बात नहीं कर रहे। और यहां पर जो आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलेगी उसके अंदर भी आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलने वाला है, और यहां पर आपको कुछ ऐसी इमेज देखने के लिए मिलेंगी। अब ये जो इमेज आप देख रहे हैं Z1 Pro से ली गई है, और वहां पर भी आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिला है, तो इंजॉय। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा सेंसर के मामले में ये फोन खतरनाक होने वाला है। बैक की बात करें तो बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, 48+8+2 मेगापिक्सल का। अब 48 मेगापिक्सल का, इससे पहले आप मुझसे पूछो कि कौन सा कैमरा सेंसर है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर अभी तक नहीं पता किसी को भी कि सोनी MX586 होगा, सोनी MX582 होने वाला है, सैमसंग का होने वाला है, तो ये तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगी। बाय द वे इसका जो लॉन्च है वो है चाइना के अंदर 31 जुलाई को, और इसका जो वेरिएंट होने वाला है 6+128GB, उसका प्राइस ना Vivo Z1 Pro के 6GB वाले वेरिएंट से 1000 रुपये ज़्यादा होगा, यानी कि 18000 रुपये आपको इसका प्राइस देखने के लिए मिल सकता है। और ये चीज़ ना मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ऐसे लीक आई हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताता, ये भी बात मैं बता दूँ। काफ़ी सारे चैनल्स पर आप देख कर आते हैं और फिर मुझसे कहते हैं ना कमेंट सेक्शन में, और यहाँ पर मैंने Honor 9X की वीडियो में बताया था प्राइस और उतना ही मिला आपको, और एक दो बंदे ने लिखा था कि अभी तो कहीं भी प्राइस नहीं मिला, तुझे कहाँ से मिल गया। तो भाई लीक्स होती हैं सबकी अपनी अपनी अलग। तो यहाँ पर इसका प्राइस जो 6+128GB का वो करीब करीब 18000 रुपये हो सकता है इंडिया के लिए। और यहाँ पर जो आपको बैटरी मिलेगी वो होगी 4500mAh की, और बॉक्स के अंदर जो आपको चार्जर मिलेगा ना, और ये जो फोन सपोर्ट करता है चार्जिंग वो 2.5 वोल्ट की करता है, यानी कि वो चार्जिंग 3.0 को भी फेंक के मारा इसने, तो यहाँ पर मजे आने वाले हैं इस फोन को लेकर। और इसके अंदर जैसे मैंने बताया 4500mAh की बैटरी मिलेगी। तो यहाँ पर ऑल ओवर देखा जाए तो Vivo Z1 Pro से बेटर फोन है, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर सेम है, कैमरे की बात करें तो बेटर, और यहाँ पर बिल्ड ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और फास्ट चार्जिंग की बात करो तो Vivo Z5। और आप में से काफी सारे लोग पूछने वाले हैं फोन इंडिया के अंदर कब आएगा, तो नेक्स्ट मंथ इंडिया के अंदर 9X आने वाला है। Vivo का S1 जो है ना उसमें आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलेगा, और उसका जो प्रोसेसर है वो Helio P65 होने वाला है, मैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं, आई बटन इस तरफ पॉपअप हो रहा होगा, पहुंच जाइए। तो यहाँ पर S1 होने वाला है लॉन्च, मुझे लगता है कि ये 1 महीने बाद लॉन्च होगा, यानी करीब करीब सेप्टेम्बर के अंदर ये फोन लॉन्च होगा इंडिया के अंदर, तो
तो अभी के हिसाब से Vivo Z1 Pro की तरफ आप जा सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जरूर फॉलो कर लीजिए ऐसी लीक्स के लिए। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आ गया, डू वॉच यू हार्ट विल स्टे इन दैट बॉक्स गाइस।